सिंधिया परिवार पर क्यों मेहरबान मोदी? पहले सिंधिया को बनाया मंत्री, अब बेटे की बारी। 6 दिन पहले मुलाकात, फिर बेटे की कमर पर हाथ। एमपी की अगली पीढ़ी हो गई तैयार। सिंधिया दिल्ली तो बेटा संभालेगा ग्वालियर की कमान। कहते हैं कि सियासत में तस्वीर सैकड़ों शब्द को समेटी हुई होती है, ठीक ये वाली तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस के पुराने साथी और राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे और मौजूदा दौर में केंद्र में रहकर नगर विमान मंत्री संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया दीगर जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, जिसकी बानगी अभी हमने यूक्रेन से मेडिकल छात्रों को बचाकर लाने के दौरान देखी। अपने क्षेत्र में अपने मंत्रालय के कामों में अपनी दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं सिंधिया, इसलिए तो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। सिंधिया इस बार भी सुर्खियों में है, लेकिन अपने कामकाज या अपने मंत्रालय को लेकर नहीं, बल्कि परिवार को लेकर। अपने परिवार की पीएम मोदी से मुलाकात कराने को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा पीएम मोदी के जो सबसे करीब खड़े हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मोदी सरकार में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। तस्वीर में सिंधिया के बेटे का हाथ मोदी के कमर में है। अब समझ लीजिए कि ये सिर्फ आशीर्वाद का मामला नहीं, बल्कि भविष्य को मजबूती देने का मामला है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। बीच में पीएम मोदी, दाई ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया और बाई ओर सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया खड़ी हैं। और इसी मुलाकात के बहाने सिंधिया ने अगली पीढ़ी की राजनीति भी सेट कर दी है। यूक्रेन में बच्चों के घर वापसी के बाद सिंधिया पीएम मोदी से मिले तो गिफ्ट में बेटे को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की कुर्सी मिल गई, ऐसा कहने वाले कई लोग हैं। अगर आपको भी यही सच लगता है तो रिपोर्ट को जरा गौर से देखेंगे तो समझेंगे कि अफवाह हकीकत में फर्क है। ये सच है कि आर्यमन सिंधिया को अपने पिता के मंत्री होने का फायदा मिला, लेकिन ये सच नहीं है कि आर्यमन सिंधिया में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। फिर भी हम आपको ग्वालियर के उस राजघराने के बारे में बताते हैं जिसकी ग्वालियर से लेकर पीएमओ तक तूती बोल रही है। अब सवाल ये है कि जब पीएम मोदी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसकी योग्यता के बल पर देते हैं, तो आखिर महाआर्यमन ने क्या योग्यताएं हैं? तो बता दें कि महाआर्यमन सिंधिया बीते 4 सालों से क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसके उपाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी ने दे दी गई है। विदेश एमबीए की डिग्री लेकर लौटे आर्यमन सिंधिया की क्रिकेट के पिच पर भी शानदार पकड़ है। 27 मार्च 2022 ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक आम हुई थी। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई कार्यकारिणी पर चर्चा की थी। चर्चा के बाद प्रशांत मेहरा को कार्यकारी अध्यक्ष और महाआर्यमन सिंधिया अध्यक्ष बने। 30 मार्च को सिंधिया ने सह परिवार पीएम मोदी से मुलाकात की। 3 अप्रैल को ऐलान हुआ। महाआर्यमन के साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया और ये सब आशीर्वाद का खेल बन गया। अपने दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही महाआर्यमन सिंधिया क्रिकेट के बाद सियासी पिच पर शानदार एंट्री करने वाले हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या 25 साल की उम्र में महाआर्यमन सिंधिया सियासी पिच के लिए समझदार हो गए हैं? तो बता दें, वो 13 की उम्र में जनसंपर्क करते रहे। महाआर्यमन ने अपने दादा और पिता से क्रिकेट सीखा। महाआर्यमन सिंधिया बचपन से ही सियासत सीख रहे हैं। दादा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पिता केंद्रीय मंत्री हैं। दून स्कूल से शुरुआती पढ़ाई, अमेरिका से एमबीए के बाद सियासत में दिलचस्पी। तो क्या पीएम मोदी की तस्वीर से साफ हो गया है कि महाआर्यमन चुनाव लड़ने वाले हैं? 2023 का विधानसभा चुनाव या 2024 लोकसभा का महाआर्यमन सिंधिया लड़ सकते हैं? मतलब साफ है कि महाआर्यमन राजनीति में लॉन्च होने का एक कदम तय कर चुके हैं।